यिर्मयाह 29:11 में बाइबल कहती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। आज हम यूसुफ के जीवन से कुछ बातों पर विचार करेंगे। यूसुफ बाइबल में पाए जाने वाला एक सुंदर व्यक्तित्व है। यूसुफ याकूब का बेटा होने के साथ साथ 11 भाइयों में सबसे छोटा था। परमेश्वर उसके भविष्य के लिए बड़ी ही खूबसूरत कल्पनाएं की थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए यूसुफ को कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ा। उस समय यूसुफ को यह बात समझ नहीं आई। हाँ प्रियो, कई बार मुश्किल के समय हमें भी परमेश्वर की योजनाएं नहीं समझ आती हैं। उस स्वप्न के कारण उसके भाई उससे बैर रखने लगे। उन्होंने यहाँ तक बैर रखा कि उसे मार डालना चाहा। परंतु परमेश्वर कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं होती। हाँ प्रियो, यूसुफ भी परमेश्वर की योजना के तहत बचाया गया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया। जब उस देश में अकाल पड़ा तो आने वाले 7 वर्षों के लिए, जो अकाल का समय था, यूसुफ अपनी बुद्धिमानी से आने वाले 7 वर्षों के लिए वह अनाज का भंडारण करके रखा। यूसुफ की बुद्धिमानी के कारण अकाल के 7 वर्षों में भी मिस्र में अनाज रहा। अकाल के कारण उनके भाइयों का अनाज लेने के लिए आना और प्रेम पूर्वक यूसुफ का अपने भाइयों का स्वीकार करना यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि यूसुफ भी जब उनके भाइयों के द्वारा मार डाले जाने या बेचे जाने की घटना को याद रखता, उनसे बैर रखता, तो वह परमेश्वर के द्वारा जो कल्पना उसके लिए की गई थी वहां तक पहुंच नहीं पाता। प्रियो, यूसुफ अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बिताया और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, इसलिए परमेश्वर की कल्पनाएं उसके जीवन में कुशल के लिए थीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जी सकें, ताकि परमेश्वर की कल्पनाएं जो हमारे विषय में परमेश्वर ने की है वो हमारे जीवन में पूरी हो। आप सबको जय मसीह की। मैं रानी विल्सन। आज के शीर्षक पर आधारित एक छोटा सा कोरस। मेरे लिए तेरी कल्पनाएं लाभ के लिए ही पूरी होगी। मेरे लिए यीशु तेरी कल्पनाएं लाभ के लिए ही पूरी होगी।